टॉमिकल्स प्रोग्राम्स। उम्मीद करता हूँ आप सब कैदियस में। तो आज का लेक्चर जो था, हम पिछले लेक्चर में एक्सटीरियर को नाइट व्यू में कन्वर्ट किया था, हमने नाइट व्यू को रीड आउट किया था हमने। तो आज जो है हम इंटीरियर के ऊपर स्टार्ट कर रहे हैं। तो मेरे पास एक मॉडल रेडी पड़ा हुआ था, तो मैं उसके ऊपर वर्क कर रहा हूँ थोड़ा। ठीक है, इसमें आपके पास जैसे 2D लेआउट प्लान है, यहाँ पे देख लेते हैं जो मैट्रिक्स लाइट्स और कैमरा ऑफ कर देता हूँ, टॉप व्यू में चले जाते हैं। तो ये मेरे पास है लेआउट प्लान है इसका। ठीक है, तो आज हम इस लेआउट के ऊपर वर्किंग कर रहे हैं। ये मेरे पास थोड़ा सा थोड़ा लेआउट प्लान पड़ा हुआ है, इसमें से जिसके ऊपर आप वर्किंग करेंगे सिर्फ उसी पार्ट को आप ड्रॉ कर लो। और उससे क्या होगा कि आपकी फाइल जो है वो ज़्यादा हैवी नहीं होगी और आप इजीली वर्क कर सकेंगे। समथिंग होता है कि आपके फर्स्ट पार्ट होना शुरू हो जाएगी। तो बेहतर यही कि आप जो है जिस एरिए के आपने 3D करनी है उस एरिए को सेपरेट कर लें। तो अभी मैं जो 3D कर रहा हूँ वो इसको ही कर रहा हूँ। ठीक है, इसका मतलब मेरे पास रेडी पड़ा हुआ है। स्टोर करने का सेम प्रोसीजर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, सप्लाइंग के साथ इसे स्टोर करेंगे। विंडो किस तरह से क्रिएट करने हैं वो भी ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। ठीक है, लेन लाइट्स भी हमने रीड आउट कर लिया, सन लाइट भी कर लिया है, रूम लाइट को भी रीड आउट कर लिया और IES लाइट्स को भी कल हमने प्रॉपरली रीड आउट कर लिया था। ठीक है, चलो स्टार्ट करता हूँ मैं इसे। मैं ये मेरे पास मॉडल है। ठीक है, कैमरा सेटिंग सेम वही है जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, मॉडलिंग आपने कर लेनी है। आज हम पढ़ते हैं इंटीरियर में लाइटिंग के साथ साथ। तो स्टार्ट करता हूँ, मैं बस मॉडल इसका पड़ा हूँ। ठीक है, जैसे मैं कर लेता हूँ वाइट व्यू में ले जाता हूँ। और एक चीज़ करनी है कि आप जब विंडो क्रिएट कर लोगे, विंडो क्रिएट करने के बाद अब मैं उसको नाम दे दिया विंडो 01 01 02, इस तरह से आपने नाम मीन के लोड करने के लिए। ठीक है, मैं चला जाता हूँ इसकी सेटिंग में, अब टाइम प्रेस करता हूँ। F10 प्रेस करने के बाद ये मेरे पास आ गया। इसमें मैं कुछ भी चेंज नहीं करा, जो ऑलरेडी आपको सेटिंग बता दी है वही सेम सेटिंग है। मैं वाइट कर रहा हूँ ताकि लाइटिंग मैंने एडजस्ट करनी है, तो मैं लाइटिंग के लिए ऑलरेडी बता चुका हूँ ओवरराइड मटेरियल कर लेंगे। उससे क्या हो रहा है, हम आप फर्स्टली अपनी लाइटिंग को सेट कर लें, फिर उसके बाद 1x1 मटेरियल सेट कर। ठीक है, तो फर्स्टली मैं लाइटिंग का प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो मैं क्या करूँ ओवरराइड मटेरियल यहाँ से वैसे करूँगा मटेरियल एम्प्रेस कर रहा हूँ। यहाँ से मैं कोई भी मटेरियल जो ऐसे ड्रैग करता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ, इंसर्ट कर देता हूँ। यहाँ मैं से उसका कलर थोड़ा सा वाइट कर देता हूँ। ओके, तो ये पास हो गया। इसमें यहाँ से इन्वेस्ट कर दूँ, इन्वेस्ट करने के बाद यहाँ पर हम देखते हैं इसका एक छोटा सा रेंडर देखते हैं। मेरे पास साथ ये अभी एक लाइट लगी हुई है, मैं उस लाइट को भी यहाँ से ऑफ कर दूँ। डिस्प्ले मैंने यहाँ पे जो लगाया हुआ है हाइड कर रहा हूँ, मेरे पास है। ठीक है, शैंडलियर जो है वो मैंने लगाया हुआ, तो शैंडलियर में लाइट है, स्पेयर लाइट यूज की हुई है। स्पेयर लाइट यूज की हुई है और जो यहाँ पे ये लाइट है वो शो कर रहा है, उनसे भी यहाँ ओपन कर रहा हूँ। यहाँ से सिर्फ क्या करें, लाइट को सिलेक्ट करें और यहाँ से लाइट सेलेक्ट हो जाएगी। लाइट सेलेक्ट करना के बाद इसकी प्रॉपर्टीज में चले जाऊँगा, यहाँ से ऑन है इसे ऑफ कर दूँगा,
सिलेक्ट कर रहा हूँ, सेम वही चीज ऑन है तो इसमें ऑफ कर रहा हूँ। ये मैं कर लिया सब ठीक। अभी भी मेरे पास वहाँ पे कुछ फ्लाइट्स अवेलेबल हैं तो चलें देख लेते हैं, फर्दर से डेट आउट कर लेते हैं। अब ये देखिए मैं आउटर साइड से जो है, जब भी आपने इंटीरियर क्रिएट करना है ठीक है, इंटीरियर क्रिएट करने के बाद आपके पास कर्टन्स आपने सेट कर दिए, कर्टन सेट करने के बाद आपको आउटर साइड से जो है ये विंडो वाला पार्ट है, इस साइड से आपको लाइट चाहिए अंदर वाली साइड पर, तो वो किस तरह से करेंगे वो हम देखते हैं ठीक है। और लाइटिंग लगाते हैं और लाइटिंग प्रॉपर एडजस्टमेंट देखते हैं उसको, तो चलो स्टार्ट करते हैं इसी से। ये लाइट्स मेरे पास हैं, मैं इसे यहाँ से ऑफ कर रहा हूँ, और ये है इसे यहाँ से ऑफ कर रहा हूँ ठीक है। और ये लाइटिंग के पास आ गई इसी तरह से, तो कुछ हिस्सा से मेरे पास है अभी फेस बिल्कुल डार्क ठीक है, कोई लाइट अवेलेबल नहीं है, जो लाइट भी मैंने इसे ऑफ कर दी है। स्टार्ट कर रहे हैं वन बाय वन, फर्स्टली क्या करूँगा ये लाइट सेलेक्ट की है, इसे मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँगा। स्टूडेंट एक चीज़ याद रखें कि आपको जब भी लाइट अंदर वाली साइड चाहिए, इनर साइड पे लाइट चाहिए, और आपके साइड पर विंडो है नहीं है डजंट मैटर ठीक है, आपने क्या करना है, आपने एक प्लेन लाइट जो है उसको प्लेन लाइट को ले लेंगे आप ठीक है। यहाँ पर प्लेन लाइट को मैंने कलर दे दिया हुआ है ब्लू शेड में, आउटर साइड से थोड़ा सा ब्लू शेड में लाइट आए। अगर आप इस तरह से नहीं करना चाह रहे तो हम फर्स्टली वर्क करते हैं सन के साथ और फिर इनको भी देखते हैं ठीक है। अभी मैं ये कर्टन्स को भी सिलेक्ट कर रहा हूँ, कर्टन्स को सिलेक्ट करके इसको ग्रुप कर रहा हूँ और कर्टन्स और ठीक है। अब ये करने के बाद मैं क्या चलूँगा सेटिंग में अपनी, टेम्परेंस करने से भी सेटिंग आता थी वैसे भी आ जाएगी आपके पास ठीक है। मैं मैनुअली कर रहा हूँ रेंडर में जाके, ये वो राइट था यहाँ से मैं इसे एक्सप्लोड कर लूँगा। किस किस को एक है मेरे पास कर्टन का सेट किया, एक्सप्लोर कर दिया। सेकेंडली मैं क्या करूँगा विंडो को डब्ल्यू प्रेस करूँगा, मेरे को विंडो आ गया सब एक्सप्लोर कर दूँगा, यहाँ से ओके कर दूँगा और यहाँ से उसका ले लूँगा इंटरेक्टिव मैंने ठीक है। तो इंटरेक्टिव मैं अंदर लेने के बाद मेरे पास कुछ अभी भी ये ब्लैक की शेड में आया क्योंकि लाइट अवेलेबल नहीं है, तो क्या करें, तो स्टार्ट कर रहा हूँ स्टूडेंट्स लाइट्स के वहाँ से एक्सप्लोर कर दिया। ये करने के बाद फिर बाहर से लाइट अंदर की तरफ आ गई, सेम वही मेथड कर रहा हूँ यूज, राइट क्लिक लेआउट और मैं इसे कर लेता हूँ टू पार्ट्स में कर लेता हूँ, फिर मैं करना चाहें टू में कर सकता हूँ, मैं टू पार्ट्स में करता हूँ, अभी मैं टू पार्ट्स में कर लूँगा। ये मेरे पास वर्किंग प्लेस है और ये मेरे पास कैमरा व्यू है, मैं इस व्यू को लॉक कर दूंगा, लॉक करने के लिए क्या करेंगे रेंडर सेटअप में चले जाएंगे, रेंडर सेटअप में जाने के बाद हम क्या करेंगे एज ये लॉक आ रहा है यहाँ पे मैं इसे सिलेक्ट करूंगा, इस व्यू को एक्टिव कर लूंगा ठीक है, एक्टिव करने के बाद यहाँ पे इसे लॉक के बाद आप देखेंगे यहाँ पर इंफेक्टिव वेंडर को ऑन कर लिए ठीक है। इंफेक्टिव वेंडर को ऑन करने के बाद मैं अब इसमें बटन करूँगा और देखिएगा हम फर्स्टली मैं यहाँ पर क्रिएट कर रहा हूँ सन ले लेता हूँ, वीरे वीरे सन और यहाँ से लाइट्स ये
यहाँ पे वो कह रहा है इन्वायरमेंट जो है ऑटोमेटिकली इन्वायरमेंट जो है वो ऐड लाइट सन की, ठीक है। हम देखिए सन की लाइट हम देखिए कितना नजर होगी, मैं पार्ट की उसे थोड़ा सा हाइट दे देते हैं, आना शुरू हो गया। यहाँ से इसको आप कम करना चाह रहे हैं, चेंज करना चाह रहे हैं, सब कुछ हो जाएगा। आप यहाँ से इंटेंसिटी को आप कम करना चाह रहे हैं, 0.5 कर रहा हूँ मैं यहाँ से, और इसी यहाँ से इसकी वैल्यू को इंक्रीज कर रहा हूँ, 5 कर रहा हूँ। शेडोज डिपेंड करता है आपको शेडो किस तरह सॉफ्ट चाहिए, ज़्यादा सॉफ्ट चाहिए होगा तो इसको आप 15, 20, 20.5 जितना आप चाहें वो उतना आप कर सकते हैं, ठीक हो गया। अच्छा स्टूडेंट्स, ये मैंने लगाया हुआ था, आर्क लगाया हुआ है, लेकिन मैं अभी इसे मूव कर रहा हूँ, और मूव करने के बाद देखिए अब इसका रिजल्ट चेक करिएगा, काफ़ी ज़्यादा ब्राइट हो गया बिल्कुल, क्योंकि पहले वो प्लेन था इस वजह से वो आ रहा था, अभी देखिए काफ़ी ज़्यादा ब्राइट हो गया। मैं क्या करूँगा, इसकी वैल्यू को कम कर दूँगा बिल्कुल, ठीक है। और ये देखें इंटेंसिटी को कम कर रहा हूँ, और क्या मेरे पास आता सन, और मुझे थोड़ा सा पीछे चाहिए क्योंकि इतना ज़्यादा सन जो है सनलाइट बहुत ज़्यादा अंदर की तरफ आ गई, क्योंकि यहाँ पे इसकी हाइट नीचे की तरफ थी, इसे ऊपर कर देंगे तो जितना ऊपर करेंगे वो ऑटोमेटिकली हो जाती है, इसी तरफ आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे आ जाए, ये देख रहे हैं यहाँ पे शेडो जो है, ये आपको अगर शार्प करना है, ये देखिए शार्प करने का 1 1 के मैं वैल्यू को जब रखूंगा तो ये मेरे पास कुछ इस तरह से देखिए फुल शार्प शेप है। हम इस पार्ट को रेंडर कर लेते हैं, तो रेंडर करने के लिए मैं इसके वैल्यूज को कम कर लेता हूँ, रेंडर सेटअप कर लेता हूँ, रेजोल्यूशन भी कम करते हैं, तो सेलेक्ट कर रहा हूँ, सेलेक्ट करने के बाद कॉमर्स यहाँ पे 3000 है, मैं यहाँ से कर लेता हूँ 800, ये करने के बाद मैं क्या इसे स्टॉप कर रहा हूँ और इसे यहाँ से रेंडर कर लेता हूँ। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, अब ये देखें ये बिल्कुल शार्प आ रहा है, अगर मैं इसकी रेजोल्यूशन इंक्रीज कर दूंगा तो ऑटोमेटिकली आप बहुत मार्क हो गया, तो ये शेडो इसका बहुत ज़्यादा बिल्कुल शार्प है, लेकिन शार्प चाहिए नहीं है तो हम इसे सॉफ्ट करना चाहेंगे, तो मैं यहाँ पे इसे रिजन कर लेता हूँ इस पार्ट को, और फिर करते हैं इसको रेंडर करते हैं, इसकी वैल्यूज को इंक्रीज कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं कर रहा हूँ 10 कर रहा हूँ, 5 करते हैं, तो उसमें 5 अगेन रेंडर, अभी देखें ब्लरी आना शुरू हो गया, ठीक है। अगर मैं इसी को इंक्रीज कर देता हूँ 15 में, अगेन रेंडर कर देते हैं, और ज़्यादा से सॉफ्ट होता जाएगा, बिल्कुल ब्लरी ब्लरी होना शुरू हो जाएगा, तो आप वो डिपेंड करता है वो सड़क सड़क आप स्थान चाहिए, लेकिन कोशिश ये करेंगे हमेशा जो है ये बिल्कुल इस तरह से सॉफ्ट सा हो, शार्प शेडो नहीं होना चाहिए, तो मैं इसे कर देता हूँ 5 और ये कर देता हूँ, ये हल्का सी लाइट जो है ना वो नहीं आप शो रिजन को खत्म कर रहा हूँ यहाँ पे, उसे कैंटर कर दिया,
ठीक हो गया स्टूडेंट्स, यहाँ तक क्लियर। अब सेकेंडली जो हम स्टार्ट करें कि कुछ आप लेआउट देखेंगे, नेट के ऊपर देखेंगे, आपको विंडो के आउटर साइड्स पे ब्लूज डिस्प्ले हो रहे थे, जो अभी मैंने आर्क को मूव किया, ठीक है, आर्क लगाई हुई थी मैंने, मैं आर्क ले रहा हूँ, ये देखिए, ये सारा का सारा जो है ये मटेरियल इसके मैंने अप्लाई कर दिया हुआ है, ठीक है। ये किस तरह से कोई ये मैंने लगाया हुआ है विजुअल लाइट्स है, विजुअल लाइट्स में यहाँ पे आप क्लिक करोगे और बिट मैप में चले जाओगे, ठीक है, ये बिट मैप, और आप जो है वो आप यहाँ पे आपके अवेलेबल है वो आप सिलेक्ट कर लोगे, और यहाँ पे इसके लाइट्स की वैल्यूज को मैंने यहाँ पे एड कर दिया हुआ है, आप बढ़ाना चाह रहे हो बढ़ा सकते हो जितने आपको चाहिए। मैं यहाँ पे कर लेता हूँ और कर लेता हूँ, और ये करने के बाद अब मुझे सैंडी चाहिए, ठीक है, मुझे सैंडी चाहिए, तो मैं सन अब इस चीज को क्रॉस कर रहा हूँ, देखें वेंडर का भी देखते हो ये अभी आपके सामने था, और वेटर कर रहा हूँ इसके हाफ पास वेंडर कर रहा हूँ, ठीक है। अभी देखेंगे पहले हमारे आउटर साइड पे कुछ भी नहीं था, अब ये हमारे सामने यूज आना शुरू हो गया। अगर मैं इसकी जो हमने लाइट्स वाली है उसे और कम कर दूंगा तो और ज्यादा ये विजिबल होना शुरू हो गया। हो गया, अब देखिए यहाँ पे लाइट भी कम होगी, अगर आप चाह रहे कि लाइट इतनी ही आए और ये जो है ये ब्लू स्क्रीन पर हो, तो क्या करना पड़ेगा, आप इसे सिलेक्ट करोगे इस आर्क को, इस आर्क का नाम आर्क 001, ठीक है, आप क्या करेंगे सन में जाओगे, सन में जाके एक्सप्लोर आर्क 001 सिलेक्ट करोगे, 6 पोर्ट कर लिया, अब देखिएगा फिर रेंडर कर रहा हूँ, ठीक है, अब लाइट भी उतनी है और आउटर साइड का व्यू जो है वो हमें वो दूसरा ही दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये अभी मैं कर रहा हूँ यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ और इसमें कर रहा हूँ रेंडर कर रहा हूँ, आप कोई भी पिक्चर लगाना चाहो कुछ भी लगा सकते हो, आउटर साइड का पिक्चर सा आप जो भी लगाना चाहोगे वो लगा सकते हो आप। अब ये तो था एक सन के साथ हम वर्किंग कर रहे हैं, और फर्दर लाइट्स तो हमें चाहिए, यहाँ पर भी लाइट चाहिए, लैंप में भी लाइट चाहिए, तो सिर्फ देख लेते हैं, क्रॉस कर रहा हूँ, ये रेंडर हमारे पास ये आ गया, तो इस रेंडर को सेव करने का क्लिक कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैं बना देता हूँ इंटीरियर यहाँ पे मैं कर देता हूँ, इसके नाम रखना था 00-01 यहाँ पे एक चीज मैं आपको दिखाने के लिए मैंने सेफ्टी के में सेव किया, मतलब ये देखो बिल्कुल डार्क आ रहा, तो आप क्या करेंगे इसको सेव करने के लिए, मैं इसे
रहने देता हूँ। इसे आप क्या करना है, सेव करिएगा। यहाँ से मैं सेव कर रहा हूँ 01, और यहाँ पे कर लूँगा इसकी एक्सटेंशन जो होता है .exr। ओके, अब ये कर लो, रीएंटर करके देखते हैं। इसे सेव कर रहा हूँ, सेव। चलो देखते हैं जहाँ पर मेरे पास होगी एंटिटी से। हम क्या करेंगे इसे सेव करने के लिए, सेव और सेव करेंगे 01 डॉट ई एक्स आर सेव। ओके ठीक है, अब ये फाइल जो है ये आपके पास सेव हो गई। लेकिन इसको करना क्या पड़ेगा, आपको फोटोशॉप में जाना पड़ेगा आपको, जब ये फाइल सेव हो जाएगी। चेंज करना चाहे चेंज कर सकते हैं, इसे ओके कर लूंगा। सेव एज, सेव इन डेस्कटॉप पे, डेस्कटॉप डेस्कटॉप नेक्स्ट पे, इंटीरियर जेपीजी 01 सेव। यस ओके, तो देखो फाइल को क्या कर रहे हैं हम, लाइटिंग को इंक्रीज करते हैं, लाइटिंग ऐड करते हैं। सेम वही लाइट जो हम ऑर्डर डिपॉट चुके हैं, फ्लेम लाइट्स का यूज करेंगे, स्पेयर लाइट है, डिफरेंट लाइट्स का ऐड करेंगे। अब देखिए यहाँ पे हम अगर आउटर साइड से हमें थोड़ी सी लाइट चाहिए, अंदर वाली हमें अंदर लाइट और चाहिए, सनलाइट तो यहाँ तक आ गई, हमारे पास एक एनवायरमेंट क्रिएट हो रहा है। इनर साइड पर हमें लाइट चाहिए, आउटर साइड से ऐड हो, तो क्या करना पड़ता है उसके लिए, मैंने यहाँ पे प्लेन लाइट्स लगाई हुई थी। ठीक है, ये लाइट्स को मैं ऑन करता हूँ और यहाँ से इसमें ऐड करके मैं करता हूँ ऑन करता हूँ। अब देखिए अगर मैं आउटर साइड पे एक रेक्टेंगुलर लाइट जो है वो मैं ऐड करता हूँ, तो देखिएगा इसका ऐसा। ठीक है, आउटर साइड से लाइट हमें इस तरह से आ रही है, और इनर साइड पे भी वो वार्म शो कर रहा था, हमें वार्म भी चाहिए, हमें थोड़ा सा कूल चाहिए था। तो हम क्या, हमने क्या किया, रेक्टेंगल बाहर लगाया, इसका कलर यहाँ पे हमने ये कर लिया। अब यहाँ पे टेम्परेचर पे चले जाओ, अभी देखो वाई आ गया, अभी वाई पे मैस आ गया, आपको थोड़ा सा कूलना चाहिए। आप यहाँ पे गली सेट कर दो, ठीक है, कितना आपको मैं चाहता हूँ, ठीक हो गया। ये तो हो गया कि आउटर साइड से हमें लाइट चाहिए थी, तो वो हम सारी की सारी लाइट्स को वो कर रहे हैं। ठीक है, अब हमें इनर साइड पे हम लाइट्स को ऐड करेंगे। ये ऊपर हमें रूफ लाइट चाहिए, ठीक है, रूफ लाइट ऐड करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं प्लेन का यूज करूँगा। अभी आपके साथ साथ आप देख भी रहे हैं, टॉपियो में जाता हूँ, टॉपियो 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 जो मैं आपसे नाम कर चैंडलर की, ठीक है, चैंडलर की लाइट्स को ऑन कर दिए। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि ये लाइट से आता है, आप क्या करेंगे इसे सेट करेंगे, यहाँ से उसकी वैल्यू स्क्रॉप कर देंगे, काम कर देंगे। यहाँ से आपने क्या काम करना, ये ऑप्शन जो है आपने इनविजिबल कर देंगे, तो क्या होगा,
आपको उसका स्पॉट नज़र नहीं आएगा, ठीक है। ये जो होता है स्पेयर जो है वो नज़र नहीं आएगा, अगर आप ये सिलेक्ट करोगे ये नज़र नहीं आएगा, चेक करोगे तो ये नज़र आएगा, ठीक है। अफेक्ट डिफ्यूज़, ये आपने हमेशा जो है क्या करना है, ये ऑन रखना है। ये क्या है डिफ्यूज़ क्या है, ये आपका ये मटेरियल आउट आउटर साइड है, ये सारा का सारा मॉडल आपका डिफ्यूज है, इस पर अफेक्ट होना चाहिए, ठीक है। अफेक्ट्स स्पेकुलर, ये जो है आपके पास इसका एक स्पेयर होता है, ठीक है। वो स्पेयर की तरह वो सारे के सारे हर तरफ वो फैले, तो उसके लिए ये होते हैं, ठीक है। हम क्या करेंगे, इसे ऑन नहीं करेंगे, इसे ऑफ कर देंगे। और रिफ्लेक्शन हम इनके जब ब्लेंडर का जब मूवमेंट जब ग्लास बनाएंगे, ग्लास में उसका हल्का सा जब ये रिफ्लेक्शन ऑन होगी, यहाँ से आप इनविजिबल भी कर दोगे तो भी आपको वहाँ पर इसका पूरा का पूरा स्पेयर जो है वो नज़र आएगा। आप रेक्ट एंगुलर है वो भी आपको नज़र आएगा, स्पेयर है जो भी और, ठीक है। अगर आप चाह रहे तो आपको वहाँ पे स्पॉट कुछ भी नज़र ना आए आपकी लाइट का, तो क्या करना पड़ेगा, इन दोनों ऑप्शन को ऑफ कर देंगे, ठीक है। और यहाँ से आप इसे इनविजिबल कर देंगे। ये डबल साइड लाइट्स हैं, अगर रेक्टेंगुलर यूज़ करें ऊपर भी और नीचे भी लाइट चाहिए, वो अभी देख लेते हैं। मैं ये यूज़ करता हूँ इसमें, हम लैम्प भी यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके लिए क्या करूँगा, लैम्प में भी आ रहा हूँ, ये है मेरे पास, तो क्या करूँगा लैम्प में लाइट लाइट बिगर लाइट लैम्प, और यहाँ पे मैं लगाता हूँ, मुझे यहाँ पे डिस्क चाहिए, तो डिस्क भी, ठीक है। जो आपके पास काफ़ी सारे लाइट्स अवेलेबल हैं, तो मुझे यहाँ पे तो चले जाता हूँ, पॉइंट में जाता हूँ, इसे डिस्क कर लेता हूँ। ऑटोमेटिकली आपको थोड़ा छोटे छोटे काम करते रहेंगे तो आपको मजा आना चाहिए, जैसे काम में भी इंटरेस्ट होगा, क्या आपका दिल करेगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा इसे इम्प्रूव करूँ, तो ये देखिए, ठीक है। अब देखिए कि लाइट ये नीचे की तरफ है, ऐसे हम अभी मैंने एक वर्क किया था, तो अभी मैंने एक ऑप्शन आपको दी थी, ये एक तो है इनविजिबल, एक लेकर हम नीचे भी नीचे भी चाहिए लाइट ऊपर भी चाहिए, तो हम देखेंगे बिल्कुल सर। ये स्टूडेंट्स नीचे भी ऊपर भी, अगर इसे अनचेक करता हूँ सिर्फ बॉटम साइड, ठीक है। इसमें क्या कर लेता हूँ, डबल साइड कर लेता हूँ, चेकिंग पर ये ऑप्शंस को रिपीट करता हूँ, ठीक है, चेक कर दे। अब ये देखिए यहाँ पे वाइट लाइट आ रही है, मुझे यहाँ पे वाइट लाइट चाहिए नहीं है, तो मैं इसे यहाँ पे वॉर्म करूँगा। आप देखिए इसका रिजल्ट देखिएगा, ठीक है। और सेकेंडली हम यहाँ पे कर लेते हैं इसे कंप्रेशन में जाते हैं, इसे कर लेता हूँ थ्री कर रहा हूँ, वॉर्म करूँगा तो देखेंगे इसका सब चेक। ठीक है, हमें यही चाहिए 45, ये चीज हम आगे वाले लाइट्स में कर लेते हैं, शेफ प्राइस कॉफी, और ये गाड़ी से यहाँ पे कर देंगे इंस्टेंस, ठीक है। देखिए ठीक है, ये भी लाइट ऐड कर दी, ये यहाँ पे भी लाइट ऐड। अब ये वाला पोर्शन जो है यहाँ पे भी मिलना चाहिए, तो यहाँ पे हम ये लाइट करना चाहें तो यहाँ ये भी कर सकते हैं। आप क्या करें, यहाँ पे हम यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं स्पेयर करने के लिए, यही कर लेते हैं, कॉपी किया कॉपी, ठीक है। ठीक है, और इसके एडजस्ट कर दिया उसके मुताबिक, ठीक। अभी देखिए मैं आउटर साइड्स की लाइट जो हमने लगाई हुई है मैं उन्हें ऑफ करता हूँ, तो फिर देखिएगा इसका रिजल्ट क्या, ये सारी लाइट्स को मैं यहाँ से करना ऑफ कर रही हूँ, ऑफ ऑफ सन,
ठीक है, ये क्या अंडरवर्ल्ड लाइट्स को मैंने सिर्फ ऑन रखा और प्रोसेस को मैंने सिर्फ ऑफ कर दिया। तो ये मेरे पास इस तरह से आ रहा है। फर्दर लाइट्स को सेट कर लेते हैं, ग्रुप लाइट को भी यहाँ पे एडजस्ट कर लेते हैं, इसे भी मैं थोड़ा सा सेट कर लेता हूँ। आउटर साइड पे सम टाइम आप कुछ बिल्डिंग दिखा रहे हैं, कुछ भी दिखाना चाहें वो आप यहाँ से दिखा सकते हो। ठीक है, देखो कि आपको ये आ रहा है कि ये स्काई आ रहा है, ये सारा कुछ हो रहा है, ये आप मटेरियल में भी आके आप सब कुछ इसको चेंज करने जा रहे, जो भी आपको करना है। स्टूडेंट्स आप देखते हैं इसके अंदर रोप लाइट्स को मैं ऐड कर रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे ले लेता हूँ लाइट्स में चले जाता हूँ, प्लेन लाइट ही ले रहा हूँ, प्लेन लाइट लेने के बाद इसे ड्रॉ कर रहा हूँ। इसको मैं कर रहा हूँ मिरर कर रहा हूँ, ये पर मिरर भी होते हैं वाइट रेड। ठीक है, यहाँ पे स्पॉट आ रहा है। अगर आपको लाइट यहाँ पे कम चाहिए तो आप यहाँ पे मल्टीप्लाई पे कम करोगे। ठीक है, 15 कर रहा हूँ, टेम्परेचर कोई 45 हो जाएगा। ठीक है, इसी चीज को मैं कॉपी कर रहा हूँ, सेव, नीचे वही ऑप्शंस इनविजिबल। ठीक है, ये ज़हन में रखना है कि ये चीज़ें यहाँ पर करना है। मॉडलिंग को कट कर आपका साइड में ठीक है, अब ये देखो बिल्कुल क्लियर हो गया। ठीक है, तो क्या करेंगे इसकी वैल्यूज को यहाँ से इसमें काम कर देता हूँ। जी हाँ सर, क्लास 6 बजे थी
6 बजे ही होनी थी, लेकिन उससे पहले ही हो गई थी, ठीक है, क्योंकि टाइम चेंज हो गया था, तो वो मैसेज कर दिया हुआ था, 12 बजे मैसेज कर दिया था जो है कि क्लास आपकी 4 बजे होगी। आज वैसे भी संडे था तो इस वजह से ठीक है यहाँ तक। अब मैं यहाँ पर भी लाइट ऐड कर देते हैं, तो उसके लिए भी वही सेम मेथड यूज करेंगे। टॉप व्यू में जाके मुझे पीछे बैक एंड पे भी रूफ लाइट चाहिए। यहाँ से आप इसके वेट्स वगैरह जो भी हमें सेट करना है सेट कर सकते हैं। लेंथ वेट हम सेट करना चाह रहे हैं, यहाँ पे सेट कर लोगे। फ्रंट व्यू में आप यहाँ पे से इसकी हाइट का आप सेट कर लोगे। कम करनी है आपने वैल्यू यहाँ से 10 इंच 40 दूसरे लाइट्स को भी मैं ऑन कर देता हूँ। ऑन कर लो इसे। ये करने के बाद हम क्या कर लेंगे, अभी मैं सन को ऑफ किया हुआ, सन को भी ऑन करना चाह रहा था, सन को भी यहाँ से अनकल कर सकता। ये करने के बाद मैं इसे यहाँ से स्टॉप कर रहा हूँ, स्टॉप करने के बाद यहाँ पर इसका डिजाइन कर लेगा। स्टूडेंट्स क्योंकि आपके मॉडलिंग क्लियर है, आज हम रीड आउट कर रहे हैं इंटीरियर की लाइटिंग जो है। ये ऑलरेडी मैं कल बता चुका था कि कल हम जो है वो इंटीरियर की लाइटिंग को रीड आउट कर रहे हैं। और ये देखें आपके सामने ये सारे के सारे पिक्चर हैं। यही करने के बाद हमारे पास हो जाता है कि ये वाली लाइट्स हमने एडजस्ट कर ली। अब सेकेंडली हमारे पास आ जाता है ऑप्शन कि हम IES लाइट्स जो है स्पॉट लाइट यूज करना चाह रहे हैं तो वो किस तरह से करें। इसके दो मेथड्स हैं, IES हमने ऑलरेडी पढ़ ली हुई है, वो भी आप यूज कर सकते हो। सेकेंडली आप प्लेन को भी यूज कर सकते हो, ठीक है, उसे सेव कर लेते हैं। ओपन करते हैं, जहाँ पर आपके पिक्चर है उसे .dxr को सिलेक्ट करते हो, आप इमेज में जाके मोड में जाके यहाँ से चेंजेस कर लेते हो, एक्सप्लोर कर लेते हो, जो आपके फोटो में रखे जाता है। फर्दर इसकी आप सेटिंग कर सकते हो। सेटिंग करने से बड़ा आप ये कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट जो है इसमें कन्वर्ट कर लेते हो, ताकि आपको चेंजेस करने में ईजी होता है। यहाँ पे क्योंकि आ जाएगा कैमरा ड्रॉप करता हूँ, मेरा सिस्टम काफी ज्यादा स्लो हुआ है। अब ये देखेंगे यहाँ एक तो है कि ऑटो के बटन पर क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली वो लाइटिंग को हर चीज को इन्वायरमेंट पर एडजस्ट कर लेता है, ठीक है। आप ऑटो ही करके आप मैनुअली भी कर सकते हैं, कहाँ पे आप इसको या कम चाहिए, कम कॉस्ट थोड़ा सा ऐड करना चाह रहे हैं, हाईलाइट्स भी करना चाह रहे हैं, ठीक है, हाईलाइट्स ऐड करना चाह रहे हैं, शेडोज भी करना चाह रहे हैं, शेडो डार्क वाइट शेड करना चाह रहे हैं, ब्लैक करना चाह रहे हैं, टेक्सचर्स के शार्प्स करना चाह रहे हैं। और यहाँ से आप
वॉन्स कलेंस को जो है आप करना चाह रहे हो, सिचुएशन जो है वो आप सेट करना चाह रहे हो। देखो ये होता है कि अभी आटो पे क्लिक कर रहा हूँ, ऑटोमेटिकली ये एडजस्ट कर देगा, ठीक है। यहाँ से आप इसको वॉर्म को कम करना चाह रहे हैं, ज़्यादा वॉर्म है वो आप कम कर लें, 9 से 2 ये ओके कर दें। अब देखो मैं ये कर लिया चेंज, अगर मैं यहाँ पे कन्वर्टर स्मार्ट अपडेट कर रहा हूँ उसका मुझे ये फ़ायदा है कि मैं इसको वो अगेन डबल क्लिक करूँगा तो वो ही स्लॉट जो है वो अगेन से ओपन हो जाएगी, और दोबारा से ओपन होने से क्या होगा हम फर्दर उसमें चेंज कर सकते हैं, ठीक है। एक्सेस ठीक है, आप यहाँ पे एक्सप्लोर या थोड़ा ट्रैक कर लो, ठीक है। बार ओके कर, ठीक है, ठीक है। बार सेव सेव एज और सेव कर लो, जो कि चीन उसको कर दें सेव सेव कर। ये मेरे पास है, एक ये है हमारे पास जो हमने सन के साथ किया, सन को ऐड करके रेंडर किया, तो मेरे पास कुछ इस तरह से रेक्टेंगुलर और रूप लाइट्स के ऐड करने के बाद रेंडर किया कुछ मेरे पास जैसे इस तरह से, ठीक है। आपको सर ये हमने दो रेंडर्स निकाले, एक है सनलाइट को ऐड करके रेंडर किया, सेकेंडली है रेक्टेंगुलर जो रूफ लाइट्स हैं ये लाइट्स को ऐड किया, ऐड करने के बाद फिर हमने रेंडर किया, तो हमारे पास कुछ इस तरह से इसका हिस्सा है। फर्स्ट मैं जो है वो स्टेप जो है मॉडलिंग है, सेकंड आप लाइटिंग करेंगे, थर्ड जो है आपके पास उसमें आप मटेरियल इम्प्लीमेंटेशन करोगे, फोर्थ जो है वो आप उसका रेंडर करोगे। रेंडर करने के बाद आप जो है उसको फाइनल एंड निकालने के लिए उसको मटीरियल को प्रॉपरली क्रिएट कर दोगे, जहाँ पे आपको रिफ्लेक्शन चाहिए वो रिफ्लेक्शन कर सकते हैं, नहीं चाहिए आप वहाँ पे काम कर सकते हो। यहाँ तक क्लियर है? आज के लेक्चर में हमने पढ़ा है इंटीरियर की लाइटिंग को, ठीक है, और उसे सेव किस तरह से करेंगे और फोटोशॉप में किस तरह से उसे थोड़ा सा शार्प करेंगे, ठीक है। हमारे पास ये रिजल्ट था, इसे हमने सेव किया, और जो हम हमारे पास फोटोशॉप करने के बाद हमारे पास कुछ हिस्सा ये आपके सामने इसमें और इसमें डिफरेंस है काफी ज्यादा। ये तो थी हमारे पास आज इंटीरियर की लाइटिंग जो हम रीवर्क कर रहे थे प्रॉपरली, जो है ठीक हो गया। फर्दर आप इसको करें, आप थ्री प्लस कर रहा हूँ कैमराज में, फिजिकल कैमरा शूट कर लेते हैं, इसे कर लेते हैं। हम क्या करेंगे यहाँ पे इस कैमरे में, इस कैमरे को सेट कर लेंगे कैमरे में, सी प्रेस करने से भी कैमरा ऑन हो जाएगा, ये मेरा फिजिकल कैमरा ये इसमें सामने आ रहा है, इसको प्ले कर लेता हूँ, करने के बाद मैं इसके लिए इसको सेट कर लेता हूँ, कैमरा सेलेक्ट पॉइंट टू करने के बाद सेम वही मेथड करेंगे, कैमरे को थोड़ा सा पीछे की तरफ मूव करना चाह रहे हैं, ठीक है। और टॉगल में जा फ्री प्रेस किया से कैमरे को पीछे पिक करने के बाद इसे मूव कर देंगे, ठीक है। आप चाह रहे हैं इसका व्यू थोड़ा सा ऊपर की तरफ हो तो वो भी आप कर सकते हैं, सर थोड़ा
करना चाह रहे हो, वॉक कर लो, पीछे करना चाह रहे हो, टॉप पे एक तो ये सेटिंग एक है, आप कैमरे में चले गए, ठीक है, यहाँ पे आप इसके पास ऑपरेट किए, आप हमें इनको 45 कर दो, ये 45 के हम चले गए, पीछे से वो डिपेंड करता है आप किस सेंस करना चाहते हैं, ठीक है, मैं इसे टेंट लेता हूँ, वही सेम मेथड टेंट कर लेता हूँ, फ्रेम सेटिंग को करना चाहेगा पर सेकंड 100 फ्रेम सेट कर सकते हैं, ये बिल्कुल ऊपर वाली साइड आ रही है, प्रॉपर व्यू नहीं आ रहा, तो ये थी आज हमने छोटी सी जो है इंटीरियर के लाइटिंग को रेड आउट किया है कि किस तरह से हम मॉडलिंग करने के बाद लाइटिंग करते हैं, लाइटिंग की एडजस्टमेंट करते हैं, इंटीरियर को भी रेड आउट किया हमने, मॉडलिंग जो कि हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि हम चीज़ को मॉडल किस तरह से करते हैं, मॉडल करने के बाद फर्दर जो हमारा स्टेप है वो लाइटिंग का है, वो लाइटिंग या फिर सामने कैमरा सेटिंग वही सेम मैंने किया जो हम एक्सटीरियर में कर रहे थे, वही सेटिंग इंटीरियर में की है ये आपके सामने से। अगर मैं इसको करना चाहें तो इसको एक ईयर एंडर ले लेते हैं, सेकंड ईयर अभी ये मैं बिल्कुल लो रेंडर में कर रहा हूँ, ठीक है, लो रेंडर में कर रहा हूँ तो वो जल्दी भी हो रहा है, अगर इसी चीज़ को मैं हाई पे लेके जाऊँगा तो ये बहुत ज़्यादा टाइम ले जाएगा। हफ साहब आपका क्या क्वेश्चन है, आप वो क्वेश्चन करिएगा, हफ साहब आपको मेरी आवाज आ रही है, लगाया
लगे सोचने से। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, मैं इसे मैं सेव कर रहा हूँ। ठीक है, और हाई रेज पे करने के लिए क्या करूँ, इसकी रेजोल्यूशन को इंक्रीज करता हूँ।
22nd यार। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था हमारे पास आज, हमने तो कंप्लीट आउट किया था। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से आप मीडियम मैंने अभी लगाया हुआ है तो इस पर भी काम करेंगे। तो इसी तरह से है कि हम इंटीरियर लाइटिंग को प्रॉपर जो है नेक्स्ट सेक्शन में हम प्रॉपर जो है लाइटिंग को ग्रेड आउट करने के बाद रेक्टेंगल एंड प्लेन लाइट्स को प्रॉपर से ग्रेड आउट करेंगे। इसे हम IS के तौर पर किस तरह से यूज कर सकते हैं, ठीक है वो करेंगे और साथ उसमें मटीरियल बनाना सीखेंगे। नेक्स्ट सेक्शन में हम मटीरियल बनाना सीखेंगे, किस तरह से मटीरियल बनाते हैं, इंटीरियर में सीरियल में और सेम मेथड होते हैं, तो बहुत सारे सीरियल डेट ऑफ करेंगे और फिर फर्दर जो है इसको अगर रेंडर करेंगे। ठीक हो गया। और एक चीज़ स्टूडेंट्स हमेशा याद रखें, कलर कॉम्बिनेशन जो है वो आप जो है यहाँ से आप नेट पर लिखेंगे। यहाँ से आपको हर तरह के कलर कम्बिनेशन जो है वो आपके पास यहाँ पे स्लॉट्स आ जाएंगे। आपको किस तरह का कलर कम्बिनेशन आप रखना चाह रहे हैं तो आप रख सकते हैं, ठीक है कूल रखना चाह रहे हैं, वार्म रखना चाह रहे हैं, तो सारा का सारा आपके पास यहाँ पे अवेलेबल है स्लॉट्स, ठीक है। अब नेट के ऊपर से आप चूज करें कलर स्केचेस को और हमेशा जो है नेचुरल कलर स्केचेस जो है वही करें और कहीं देखते हैं, उससे आपका जो है रिजल्ट भी अच्छा आएगा। क्योंकि हम कहीं बॉम यूज़ कर रहे हैं, बॉम और अगर आप चाह रहे हैं आपका कमरा अच्छा लगे देखने में और आप बोरियत ना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा कि अपने बॉम और कोर्स को यूज़ करेंगे, कलर कम्बिनेशन दोनों कलर कम्बिनेशन और उसका मिक्स कलर जो यूज करेंगे तो आपका जो है कमरे का रिजल्ट जो है वो भी आपको अच्छा लगेगा और हमेशा आपको अच्छा लगेगा। अगर आप बॉम में जाओगे सारे के सारा ब्लैक ही शेड में चले जाओगे तो वो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा,
डार्टी शेड में आने के लिए, अगर ज़्यादा वार्म कर दो, अगर वो ज़्यादा ब्राइट हो जाए, इसलिए जो है हमेशा दो रूम्स में रह कर आपको काम करें तो अच्छा लगेगा। ये था हमारा आज का लक्ष्य। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो मुझसे पूछ सकता है, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर में हम मटेरियल और अपने लक्ष्य का पर्पस से डिटेक्ट करेंगे, मटेरियल किस तरह से बनाते हैं, ठीक है। और ये आपके सामने है और रिजल्ट भी ले सकते हैं आपके सामने ले कर रिजल्ट। ये पिक्चर जो है मेरे मैं आपके ग्रुप में शेयर कर रहा था, इंसानी के साथ मैंने रेंडर किया था, सेकंड भी रेंडर किया था, मैं लाइटिंग सेट करके अभी भी यहाँ पर लाइट्स ऐड होनी थी लेकिन अभी मैं लाइट्स यहाँ पर ऐड नहीं किए हैं, तो हम नेक्स्ट एक्सेस में देखते हैं रिपोर्ट तो से। तो ये आपके सामने आ गया, आपके सामने इसका रिजल्ट था, ठीक है। यही लाइट्स के सामने ठीक हो गया। अभी ये रेंडर हो रहा है, तो रेंडर होने के बाद ये पिक्चर्स में आपको ग्रुप में भी शेयर करना है।
तो स्टूडेंट्स, ये हम जो है ये हमारे पास अभी मीडियम रेंट है और इस पे भी आप प्राइम देख रहे हैं। यहाँ पे मेंशन है अभी 9 मिनट्स और अभी 25 मिनट्स रिमेनिंग है। ठीक है, वो कह रहे 25 मिनट्स वो रेंडर जो है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको टाइम भी शो कर दो, फिर उतना टाइम वो रेंडर के लिए वो मांग रहा होगा। ये आपके सामने 4 25 मिनट्स हैं, यहाँ पे 5 मिनट। ठीक है, तो 25 मिनट्स में ये लैंडर कंप्लीट होएगा। टोटल टाइम इसका 25 मिनट्स है। तो ये लैंडर इतना टाइम क्यों लेता है ये भी हम देख लेंगे नेक्स्ट सेक्शन में, जब मटेरियल क्रिएट करेंगे उसमें सारा चरण मैं आपको बता दूंगा। क्या एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि स्टूडेंट जितना आपको अच्छा रिजल्ट चाहिए होगा उतना ज़्यादा वो टाइम लेंडर टाइम लगेगा। जैसे मटेरियल बनाने के लिए आपको प्रॉपर अगर आपने मटेरियल दिखाना है तो उसमें आपको टाइम भी देना पड़ेगा लेंडर को, तो उसके लिए आपके पास सिस्टम का बैकअप होना ज़रूरी है। समटाइम होता है कि आपका रेंडर बिल्कुल एंडिंग पर होता है और लाइट चले जाए तो फिर सारा का सारा आपका रेंडर ज़ाया हो जाएगा, वेस्ट है। तो आपके लिए वो फिर दोबारा से आपको रेंडर करना पड़ेगा, इसका कोई फ़ायदा नहीं। तो अपने टाइम को सेव करने के लिए बैकअप तो जाए साथ सिस्टम के साथ ऐड करें और फिर उसे रेंडर करें। ठीक है, ये तो रेंडर हो रहे हैं, वो भी मैंने आपको प्रोसीजर बता दी कि किस तरह से हम ये करेंगे। इसको सिंपल वही इंपोर्ट ओपन करेंगे आप। फर्स्ट मोड लेफ्ट चैनल स्क्वायर, सेकंड स्टेप कन्वर्ट टू स्मार्ट इंटेक्स प्रिंटर कैमरा रॉ फिल्टर्स। ये जो आपका फोटोशॉप का लेटेस्ट वर्जन है उसमें ये ऑप्शन जो है वो डिफॉल्टर अवेलेबल है, ऑटोमेटिकली वो लाइट को एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आप टेक्सचर पे जा रहे हैं, टेक्सचर को शार्प करना चाह रहे हैं, ओके कर रहा हूँ, इसे मैं सेव करता हूँ सर, और ये पिक्चर मैं आपको ग्रुप में आपको शेयर कर रहा हूँ जो हमने रीड आउट किया है। और इसी तरह से हम सेकंड भी क्या करेंगे आपका, ओपन ओपन नो ओपन और सेकंड बहुत बना किया था, तो सेम वही सेट करेंगे। फर्स्ट टाइम इमेज मोर एक्सपायर, ओके राइट क्लिक कन्वर्ट टू स्मार्ट लाइट फिल्टर। इसमें हम थोड़ा सा और ज़्यादा जो है इसमें डिप्टी जाके जब फोटोशॉप को भी देखेंगे इसमें किस तरह से हम रिफ्लेक्शन किस तरह से कम करते हैं ज़्यादा करते हैं ये भी चीज़ें हम इसमें रीड आउट करें। अभी ये फर्दर स्टेप्स दिखा रहा हूँ जो आप जल्दी से वर्किंग करके तो क्लाइंट को वो आप डिलीवर कर सकते हैं। क्वालिटी को बेहतर करने के लिए अभी हम रीड आउट करेंगे, रिपीटेड लिस्ट भी किस तरह से क्रिएट करेंगे। और इसे भी हम सेवेज कर रहा हूँ, मैं क्या करता हूँ इसे उठाता हूँ और इधर ले जाता हूँ। मोमन आप देखते हैं आपको वहाँ पे लगा होता है, तो अभी अभी आप यहाँ ऐड कर चेंजिंग्स करना चाहें वो आप कर सकते हो।
उसके आप कर सकते हैं इसमें। सिलेक्शन में जा रहा हूँ, इसे इन्वर्ट्स कर लेते हैं। ये आप मास्किंग लगा सभी सेव एज कर लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था हमारे पास आज का लेक्चर। जो से रेंडर का टाइम है, रेंडर कंप्लीट होगा। वो जितना ज़्यादा आप पाइप लगाओगे तो आपका यहाँ पे नॉइसी वो रिमूव हो जाएंगे सर, नॉइस रिमूव हो जाएगा, रिजल्ट अच्छा आएगा। ये देखिए नॉइस बहुत कम है, अगर इसे और थोड़ा हाई करेंगे तो ये सारी की सारी नॉइस है ये भी खत्म हो जाएगी। पहले हमारा नॉइस वैल्यू था 0.01, फिर अब हमने जो वैल्यू ऐड की है नॉइस की वो 0.005। ठीक है, तो आज का लेक्चर हमारा इतना था। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, मटेरियल क्रिएट करना सीखेंगे, लाइटिंग को प्रॉपर से देखेंगे। ठीक है, तो तब तक